देखिए फैक्चुअली मैं तो ना पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ और ना अथोराइज हूँ, लेकिन ये बात सच है कि देर इज़ प्रोग्रेस बिटवीन द थ्री पार्टीज़। जैसे हालात हैं रियासत के और रियासत का के तशख्स के बचाव के लिए, जो हमारी एक स्पेशल स्टेटस है उसके बचाव के लिए तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है टू जॉइन हैंड्स। बाकी ये लीडरशिप लेवल पे है, अभी हमारी लेवल पे ये बात नहीं आई है। ये बात सच है, हमें भी जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो चैलेंज है स्पेशल स्टेटस को, उसके लिए तीनों पार्टियों ने डिसाइड किया है कि दे विल जॉइन हैंड्स टू गिव अ गवर्नमेंट एंड डिफेंड द स्पेशल स्टेटस। सर अभी तो कोई खास चेहरा जो सामने आएगा जो जिससे लोगों की जो है जो लगेगा कि अब लीडरशिप है इस नहीं, ये तो देखिए ये तो एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल जो है नुमाइंदगी एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ इस वक्त रियासत में जैसे 370 है 35 ए है, सबसे बड़े इश्यूज़ यही हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, स्पेशल आइडेंटिटी, उसके लिए मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप ये देख रहे हैं हो रहा है, ये खाली उसी के लिए हो रहा है। मुझे लगता है लोगों के एस्पिरेशंस के रिस्पांस के लिए हो रहा है, और ये लीडर्स तीनों पार्टियों के लीडरों के दरमियान ही तय हुआ है और उसी लेवल पर है। अभी निचली सतह हमारी लेवल पर नहीं आया है कोई ऐसा। कब तक अब लोगों को राहत मिलेगी ये सुनने में कि सरकार बनने जा रही है? मुझे लगता है आज अजीम दिन है, आज सब लोग बिजी हैं। अल्लाह ताला ये करे कि इस रियासत में खुशहाली अमन अमान बहाल हो जाए, खुशहाली हो जाए, तो लोगों को बहुत जल्दी एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। थैंक यू सर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।